हाँ जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेहनाजपुर ना मेहनाजपुर और ग्राम भरतपुर भरपुर पिछवाड़ और हमारे भरपुर पिछवाड़ के अंदर और हमारे साथ में एक महिला यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके साथ में इनका ये आरोप है कि यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन और यहाँ के पुलिस अधिकारी इनको पीड़ित कर रहे हैं, और जिसको लेकर इन्होंने बहुत से लोगों से गुहार लगाई लेकिन कहीं पर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी समस्या क्या है। आपकी समस्या क्या है ये बताएं, आपका नाम क्या है? मैं सर, हमारा नाम सुनीता है। लेकिन आज सर हम यही कहेंगे, योगी जी की जितनी पुलिस प्रशासन वो नाकाम, हम महिलाओं के लिए वो पुलिस प्रशासन नाकाम। सर जितनी हेल्पलाइन करे हैं महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, वो सारे बेकार। जब हमें किसी काम नहीं आया, आज जब हमारे किसी काम हेल्पलाइन नहीं आया, पुलिस प्रशासन द्वारा हम पीड़ित हो गए, हम डराए गए, धमका दिए गए। किसने आपको डराया? हमें पुलिस प्रशासन आया हमारे घर। कौन सा थाना लगता है? मेहनाजपुर थाना आया हमारे घर। हमने हमारे ससुर जी जो डायबिटीज पैरालिसिस से ग्रसित हैं, बोल नहीं सकते हैं, बोलने में असमर्थ हैं, 80-85 के लगभग हैं, हम उनकी बात रख सकते हैं, हम उनकी बहू हैं, उनके हक के हकदार हैं। तो हम अगर वो पैरालिसिस से नहीं बोल सकते तो हम उनके हक तो रखने के हम हकदार हैं। हमको रखा गया, बोला गया पुलिस द्वारा कि तुम नहीं रख सकती हो, जो रख सकता है जिसके नाम से केस किया है न्यायालय में 1/3 का वो रखे। हमने उनके सामने हाथ जोड़ा, गुहार लगाए कि ससुर जी हमारे पैरालिसिस हैं, बोल नहीं सकते हैं, हम उनके बेटे की पत्नी तो हम आपका रख सकते हैं। आपका ये कहना है कि आपको पुलिस ने डराया, तो आपके पास कुछ प्रूफ है उसका? सर ये हमारा प्रूफ है, हमारे ससुर जी सन 2013 में उच्च न्यायालय में, अच्छा ये दीवानी का दिख रहा है, 1/3 का केस दर्ज किया। अच्छा, जो आज राजा राम पूर्व सांसद के भाई जो बसपा के हैं, उनके द्वारा उनके भाई जयराम के सर आज वो दबंगई से उस पर निर्माण उनका। आप क्या चाह रही हैं? सर हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि सरकार इससे अपील करते कब रुकेगा। ये हमारे गाँव का, ये पूरे देश का आज पिछवाड़ भरपूर पिछवाड़ गाँव एक गुंडा गांव हो गया, इसका नाम भरपूर पिछवाड़ से इसका गुंडा गांव रख दिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे बार बार ये कहा जाता है नारी शक्ति का नाम लिया जाता है, लेकिन जैसे हमारे साथ में ये मौजूद है सुनीता जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रशासन और कुछ पॉलिटिकल लोग जिस तरीके से दबंगई कर रहे हैं, और उसके बाद न्यायालय में केस करने के बावजूद भी उल्टा पुलिस प्रशासन इनको ही परेशान कर रहा है। और इनका ये भी कहना है कि हमने कई बार हेल्पलाइन पे भी कॉल किया, और सर हमने 10/76 पर हेल्पलाइन पर किया, मुझे अगर हम रोक नहीं पाए, हम न्यायालय, हमारे पास कागज है सर, जैसे कि हम आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं, आप हो सके तो चैनलों पर दिखाएं, सरकार तक एक बात पहुंचे, चाहे वो योगी जी तक हो, चाहे अखिलेश भाई तक हो। अखिलेश भाई बहुत ज्यादा ये सब चीजों पर रखते हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि वह अपनी बात रखें कि कैसे कि एक महिला को कहा अच्छा, जाता आपको है कुछ है, जैसे आप कह रहे थे कि आपको खतरा भी है, हमें गए तो उनके जो सौरभ नंदन है, उनके बेटे अरविंद कुमार जो सरकारी सर्विस करते हैं सर किसी सिंचाई विभाग में, रघुनंदन के बेटे नंदलाल उनके दो बेटे हैं जी। तो जी तो वो उन्होंने हमके कहे गड्ढे में जाना नहीं, रोकना नहीं, वरना गड्ढे में ढकेल देंगे, फाड़ा उठा लेंगे, मार देंगे। सर हमारे 5 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। आप क्या चाहती हैं? हम सरकार से, अब हमें तो कोई न्याय की उम्मीद नहीं रह गई सर, हम क्या बोलें, हम तो बोलने के लायक भी नहीं समझ रहे हैं, हम क्या बोलें अब इस पर कि ये योगी जी क्या कर रहे हैं, अपने पुलिस प्रशासन की किस तरह की सैलरी दे रहे हैं। जब हम महिलाओं, एक तरफ हम महिला के बहुत बहुत ज्यादा हम सुरक्षा प्रदान कर दिए हैं, महिलाएं हमारी आगे आए। अच्छा, आपको कुछ पुलिस स्टेशन में बुलाया भी गया था? बुलाया गया था, तो हमने उनको कहा था, इनके जो नंदलाल के बेटे हैं उनके द्वारा कहा गया कि अगर कागज लेके थाने में पहुंचती हो तो तुम्हारा बीच में अपहरण करवा देंगे। तो सर किसने कहा था? अरविंद कुमार। तब आज? आज कहा कि अपहरण कर। सर हमारे हस्बैंड नहीं रहते हैं घर पर, प्राइवेट काम से
रोटी रोजगार से बाहर रहते हैं सर, हम नहीं जा सकते हैं। ये 25 तारीख को जो हमारी ये जेठानी खड़ी हैं, इनके भी घर पर आके धमकी दिए जयराम ने। अच्छा, आपको भी धमकी दिए जान से मारने की? तुम्हारे घर पर बुलडोजर चला देंगे। अच्छा, तो ये अभी आपने देखा कि जैसे हमारे साथ में दो महिलाएं थी, इन्होंने अपनी दुख दर्द बताई, इनके पास सारे दस्तावेज आप ये देख सकते हैं, ये इतने मोटे ये दस्तावेज हैं, ये न्यायालय के पेपर हैं, ये देख सकते हैं आप। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आपको अपहरण कर लेंगे, मार देंगे, आपके घर को गिरा देंगे, तो ये एक सोचने वाली बात है कि कहां तो सरकार ये कहती है कि नारी का सम्मान, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि नारी को ही उल्टा दबाया जा रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख पर हारी, मुंबई से।